ओम सत्यम परम धीमहि। गायत्री परिवार, पूज्यवर गुरुदेव, परम श्रद्धेया माताजी, सभी के दिव्य तपस्या का, अनुष्ठान का और दिव्य चैतन्य का अनुभव पिछले दो दिन से मैं यहाँ आकर कर रहा हूँ। हम जगतगुरु वल्लभाचार्य महाप्रभु जी की भक्ति मार्गीय परंपरा से जुड़े हुए हैं और जब सर्वप्रथम मैंने हमारी वसीयत और विरासत पूज्य गुरुदेव की पुस्तक को पढ़ा, उसके बाद एक अंतश्चेतना, एक अंतरप्रेरणा प्राप्त हुई कि गुरुदेव के इस अभियान को, इस महाअभियान को निकट से देखना है, जानना है, इसके बारे में अपने आप को कुछ नई दिशा में परिवर्तन ला सकें, उस दिशा में इस संपूर्ण अभियान से निकट से परिचित होना है। और एतदर्थ मैं कल मथुरा और आज यहाँ शांति कुंज हरिद्वार व्यक्तिगत रूप से अलग अलग विभागों में अलग अलग जो प्रवृत्तियाँ चल रही हैं, अलग अलग प्रशिक्षण का कार्य हो रहा है, कहीं अनुष्ठान, कहीं यज्ञादिक, कहीं पर्यावरण के बारे में, कहीं ध्यान योग, इतनी अलग अलग विधाएँ के भारतीय संस्कृति, आर्ष वैदिक मनीषियों की परंपरा और साथ साथ आज के आधुनिक रूप में विज्ञान के साथ साथ किस रूप में हमारा प्राचीन प्रज्ञान सचोट और सार्थक है, इसका अनुभव यहाँ आकर करने को मिला है। और अगर हमें विकारों को सर्वदा सर्वदा के लिए विदाई करना होगा तो फिर संस्कारों का निर्माण करना पड़ेगा। विकृति का अगर हमारे जीवन से संपूर्ण समूल रूप से विनाश हो, ये हम अगर चाहते हैं, तो संस्कृति की सुस्थापना परम आवश्यक होती है। मैं कई बार कहता हूँ कि इस जहाँ में कई लोग सिर्फ दुखों के ही गीत गाते हैं, फिर होली हो या दिवाली हो, वे सदा मातम ही मनाते हैं, मगर दुनिया तो उन्हीं की रागिनियों पे झूमती हरदम, जो जलती अगन पर बैठकर वीणा बजाते हैं। और मुझे गुरुदेव ने जिस रूप से उनके संपूर्ण जीवन को हम अगर निकट से देखें तो तपस्या और कठोर संघर्ष के बीच जैसे इस भारतीय संस्कृति का और प्राचीन मनुष्यों की परंपराओं का जिस रूप से अमृत कुंभ निकालकर और माँ गायत्री की उपासना के माध्यम से समुचित विश्व को अनुग्रहित करने के लिए, कल्याणकारी करने के लिए जो जगत के सामने प्रस्तुत किया है, इससे किसी एक विशेष ज्ञाति, धर्म, विचारधारा, ग्रंथ या परंपरा लाभान्वित नहीं हुई है, समुचित विश्व का जीव मात्र अनुग्रहित हुआ है। और इस परंपरा को निकट से आज देखने का सुअवसर प्राप्त हुआ। हर व्यक्ति श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से, उत्साहपूर्वक तत्त्व क्षेत्रों में जुड़ा हुआ है, कार्यरत है। शिक्षकगण उसी उत्साह से पढ़ा रहे हैं जो प्राचीन काल में गुरुकुल परंपरा में गुरुजन पढ़ाया करते थे, और विद्यार्थीगण उसी श्रद्धा और भावना से पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, जिस श्रद्धा और भावना से प्राचीन गुरुकुल परंपरा में पढ़ाया जाता था। तो आधुनिकता के साथ साथ उस विशिष्ट आध्यात्म विज्ञान की बात और आधिदैविक रूप से अनुष्ठानात्मक मंत्र परंपरा, जप परंपरा, यज्ञ परंपरा, इस सभी बातों का ऐसा सुभग समन्वय किया गया है कि जिसके माध्यम से अलग अलग कई बातों का समन्वय इस शांति कुंज में, हरिद्वार में किया गया। आदरणीय श्रद्धेय डॉक्टर श्री प्रणव जी पंड्या और आदरणीय दीदी जिस रूप से वात्सल्यमय रूप से हर छोटी बात का ध्यान रखकर और पूरे परिवार को एक आत्मीयता, प्रेम और वात्सल्य का दान कर रहे हैं, वो इस समुचित अभियान का पीठ बल है। उस सूक्ष्म चैतन्य शक्ति का ये प्रमाण आज जगत को प्राप्त करना होगा कि आज गुरुदेव भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हर गायत्री परिवार के व्यक्ति के साथ, उसके विचार के साथ, उसकी साधना के साथ, उसके अनुष्ठान के साथ, उस सूक्ष्म चैतन्य का अनुभव हर कोई यहाँ रहने वाला, हर कोई यहाँ सक्रिय व्यक्ति कर रहा है। तो इस भूमिका को जब मैंने प्रथम पढ़ा और जिज्ञासा जागृत हुई कि उसका
प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करना है, उसका अनुभव करना है। और आज यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उन सभी अलग अलग विधाओं का, अनुष्ठानों का, उन सभी कार्यक्रमों का, प्रवृत्तियों का, साधना का, तपस्या का, यज्ञ का मैंने व्यक्तिगत रूप से आज जब अनुभव किया तो हृदय संपूर्ण रूप से आनंदित, गौरवान्वित और इतना आह्लाद से परिपूर्ण हो रहा है कि आज अपने आप को मैं यहाँ आकर अतिशय गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और आचार्य परंपरा, जिस वल्लभ संप्रदाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ, संप्रदायवाद से अलग उठकर सभी शास्त्र, संत, सात्विक विचारधाराएं और सदनुष्ठान एक रूप से कैसे जाकर उस परमपिता के चरणों में अपने जीवन का समर्पण करें, अपनी विचारधाराओं का समर्पण करें, अपनी परंपराओं का समर्पण करें, ये एक दिव्य संदेश मुझे यहाँ कर प्राप्त हुआ है। और उसी से आज जगत का कल्याण हो सकेगा। तो मैं परमात्मा के चरणों में यही मेरी भावना, श्रद्धा व्यक्त करता हूँ कि जब कभी जीवन में अवसर मिले, जो गायत्री परिवार से परिचित नहीं हैं, वो एक बार शांति कुंज आकर अनुभव करें कि हमारी परंपरा, हमारी ऋषि परंपरा, अनुष्ठान की परंपरा, तपस्या की परंपरा क्या रही थी और आज किस रूप से वो विज्ञान के माध्यम से भी सचोट, सार्थक और साबित की जा सकती है, इसका अनुभव यहाँ आकर करें और विश्व इससे अनुग्रहित हो, यही मेरी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना है। और जो अनुष्ठान, जो तप, जो वाइब्रेशंस, जो यहाँ की ऊर्जा, आधिदैविक ऊर्जा जो विश्व में व्याप्त होगी, उससे एक नए युग का निर्माण होगा और एक नया भविष्य भारत का, जो राज धर्म के रूप में समुचित विश्व पर शासन करने के रूप में जो भारत स्वप्न देख रहा है, वो इसी माध्यम से सार्थक हो सकेगा, ये मेरा विश्वास है। और यही प्रार्थना करता हुआ प्रभु के चरणों में अपने शब्दों को विराम देता हूँ। इति शम।